हेलो स्टूडेंट, दिस इज दीपक श्रीवास्तव फ्रॉम श्रीवास्तव एकेडमी। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं अकाउंट्स का। अभी लास्ट वीडियो में आपने डेथ तक देखा था। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना, बंद करना, जब फर्म यदि क्लोज होती है, कोई भी फर्म क्लोज होगी तो क्या करना होगा? यदि कोई फर्म क्लोज होती है तो उसके जो भी एसेट्स हैं उन्हें सेल कर दिए जाएंगे, जो भी लायबिलिटीज हैं उसे पे कर दिया जाएगा, और इस एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचने के बाद जो फर्म को प्रॉफिट या लॉस होगा पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही हमें इस चैप्टर में करना है। ये चैप्टर आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें ज्यादातर 2 क्वेश्चन आते हैं। एक में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। रियलाइजेशन क्या होता है? जैसे कि फर्म को जब वाइंडिंग अप करना हो, क्लोज करना हो, तो फर्म के पास बहुत सारे एसेट्स और बहुत सारी लायबिलिटीज होती हैं। तो इसको वाइंडिंग अप करने के लिए जैसे कोई एक एजेंट के रूप में रखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे रियलाइजेशन जो है एक एजेंट का काम कर रहा है। जो रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले फर्म अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज रियलाइजेशन को दे देती है। तो जितने भी एसेट्स हैं, फर्म के जितने भी एसेट्स हैं जैसे कि बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटर है, प्लांट है, या जो भी हो, एक्सक्लूडिंग कैश को छोड़कर, क्योंकि कैश को तो सेल करेंगे नहीं, कैश या बैंक को, तो जो भी एसेट्स हैं वो सारे रियलाइजेशन के पास आ गए। जो भी लायबिलिटीज हैं, जैसे बाई लायबिलिटीज में जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेटर्स का जो पॉइंट होता है, डेटर्स फ्रेश डेटर इसमें आते हैं, प्रोविजन आपका लायबिलिटीज में आता है, ठीक है। तो सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हमने दे दिया। इसके बाद अब एसेट्स को रियलाइज किया जाएगा। किसी भी एसेट्स को रियलाइज करने के 3 मेथड होते हैं। क्या? या तो कैश या बैंक में बेच करके पैसे ले लेना, या किसी पार्टनर को दे देना, कोई पार्टनर टेक ओवर कर ले, या किसी लायबिलिटीज के साथ एडजस्ट कर लेना। तो जब यदि बैंक में ट्रीट हो रहा है, जैसे बिल्डिंग 10 लाख में सेल हुआ, बिल्डिंग की क्या वैल्यू थी उससे मतलब नहीं है, बिल्डिंग रियलाइज कितने में हुआ, 10 लाख में, तो ये रियलाइजेशन के पास है, तो यहां पे बाई बैंक में बिल्डिंग की वैल्यू आ गई। इसकी एंट्री क्या बनी? पैसे आ रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट। बिल्डिंग का आ रहा है तो यहां पे बिल्डिंग ना आकर के रियलाइजेशन आएगा। इससे एक जनरल एंट्री का भी क्वेश्चन आता है कि बिल्डिंग रियलाइज्ड तो बच्चे कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। वो बिल्डिंग अब किसके टेक ओवर में है? रियलाइजेशन के। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तब ये बिल्डिंग आपका यहां पर आएगा बैंक के नाम से। यदि डेटर्स रियलाइज्ड तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यदि डेटर्स रिलाइज हो, यानी बिल्डिंग ही नहीं कोई भी एसेट्स यदि बैंक के थ्रू रिलाइज हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कोई भी एसेट्स यदि पार्टनर टेक ओवर कर ले रहा है, जैसे बिल्डिंग टेक ओवर बाई एक्स एक पार्टनर है, तो यहां पे आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया बाई एक्स, ब्रैकेट में उसने बिल्डिंग लिया या जो भी चीज लिया वो आ गया। यदि किसी लायबिलिटीज के साथ एडजस्ट हो गया, बिल्डिंग टेक ओवर क्रेडिटर्स फॉर फुल सेटलमेंट, तो नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री नहीं बनती, कोई एंट्री नहीं बन रही है, तो कोई यहां पे भी नहीं आएगा। यानी एसेट्स कभी पार्टनर टेक ओवर करे, तो जो पार्टनर टेक ओवर करे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यदि बैंक से रियलाइज हो तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और ये दोनों ट्रीटमेंट को रियलाइजेशन में ले आती है। लायबिलिटीज को यदि पे करना है, अब फर्म जो है रियलाइजेशन जो है वो लायबिलिटीज को पे आउट करेगा। इसको भी 3 तरीके से पे कर सकते हैं, जैसे पैसे में, बैंक से, कोई पार्टनर एग्री हो जाए पे करने के लिए, या किसी एसेट्स के साथ एडजस्ट हो जाए। तो यदि बैंक से है तो एंट्री क्या बन गई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
क्रेडिटर्स वर पे 10,000 फॉर फुल सेटलमेंट. क्रेडिटर्स को कितना पे किया? 10,000. पैसे जा रहे हैं तो बैंक क्रेडिट होगा, लेकिन वो क्रेडिटर नहीं है, वो रियलाइजेशन के पास है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक. यदि क्रेडिटर्स को एक्स पे कर रहा है, एक्स एग्री टू पे क्रेडिटर्स फॉर रुपीज 10,000, एक्स एग्री हो गया कि 10,000 क्रेडिटर्स को पे करेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक की जगह पे एक्स आ जाएगा. यानी जब कोई लाइबिलिटीज को बैंक के थ्रू पे कर रहे हैं तो टू बैंक करके आ जाएगा क्रेडिटर्स की वैल्यू. यदि कोई पार्टनर पे कर रहा है तो टू एक्स करके आ जाएगा कोई भी वैल्यू, जैसे बिल्स पेबल है. तो ये दोनों चीजें लाइबिलिटीज सारी पे आउट होंगी फॉर्म की. यदि कोई लाइबिलिटीज को पे आउट करने के लिए नहीं बोला है तो वो हम अपने आप बैंक के थ्रू पे करेंगे. यदि किसी को पे करने के लिए बैंक के थ्रू करा है तो बैंक के थ्रू, यदि कोई पार्टनर पे करा है तो पार्टनर के थ्रू. इसके अलावा कोई ऐसे एक्सपेंसेस है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, या किसी को कमीशन देना पड़ रहा है वो भी बैंक के थ्रू देना पड़ रहा है तो बैंक में, कोई पार्टनर एग्री कर रहा है तो पार्टनर में. ऐसे ही एसेट्स का हो गया, ऐसे ही आपका कोई पार्टनर लेना, यही आपका रियलाइजेशन अकाउंट है. पहले सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, फिर लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया, एसेट्स का पे आउट कर दिया या तो बैंक के थ्रू या किसी पार्टनर के थ्रू, या लाइबिलिटीज को पे आउट कर दिया किसी बैंक के थ्रू या किसी पार्टनर के थ्रू. लाइबिलिटीज में ही आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है या कोई कमीशन है किसी का. इसके बाद हमने इसका बैलेंस कर लिया. बैलेंसिंग फिगर जो भी आता है, यदि इस साइड आया तो आपका प्रॉफिट हुआ, इस साइड आया तो लॉस हुआ, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. इस चैप्टर से आपका सिंपल एक रियलाइजेशन अकाउंट ही आता है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनाने को नहीं आता. बैलेंस शीट तो बनेगी नहीं क्योंकि फॉर्म तो कंटिन्यू ही नहीं है. बैंक अकाउंट बनता है, हम वो भी समझाते हैं आपको, लेकिन सबसे पहले आप इसको समझिए. अब जैसे बिल्डिंग रियलाइज हो रहा है, लेकिन कभी कभी बिल्डिंग रियलाइज की वैल्यू को ऐसे बोलेगा, बिल्डिंग रियलाइज एट 10% डिस्काउंट, तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है उसमें से 10% माइनस करके. क्रेडिटर्स रियलाइज, क्रेडिटर्स आर पे आउट 10% डिस्काउंट, तो क्रेडिटर्स में 10% माइनस करके. या इस तरीके से जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या प्रीपेड एक्सपेंसेस, किसी भी चीज को कैसे पे करना है, दो ही एंट्री बनेगी. जैसे पार्टनर्स के थ्रू एसेट्स जा रहा है तो एक्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक के थ्रू जा रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. कोई भी लाइबिलिटीज में पार्टनर्स की लाइबिलिटीज को इंक्लूड नहीं करेंगे. जैसे एक्स और वाई पार्टनर है, एक्स ने यदि लोन दिया है फर्म को तो वो रियलाइजेशन में कहीं नहीं आएगा, लेकिन एक्स की वाइफ का लोन है तो रियलाइजेशन में एक नॉर्मल लाइबिलिटीज की तरह आएगा. तो लाइबिलिटीज की यदि पे आउट हो रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यदि कोई पार्टनर पे करने के लिए एग्री हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश टू एक्स, जिस जो पार्टनर पे कर रहा हो. इसके बाद इसके बैलेंस को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ये तो हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतने में ही समझते हैं छोटा सा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स एक्स वाई, हम दो पार्टनर को लेके चल रहे हैं, एक्स वाई पर्टिकुलर. सबसे पहले उनका जो बैलेंस है, बैलेंस आ गया. इसके बाद कोई भी एसेट्स किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया है तो उनके अकाउंट में आ गया. कोई भी लाइबिलिटीज टेक ओवर किया है इन्होंने, यदि कोई लाइबिलिटीज वो पे करने के लिए एग्री हुए हैं तो उसका पैसा उनके क्रेडिट में जाएगा. जैसे यहाँ डेबिट है तो क्रेडिट में आया, कोई एसेट्स उन्होंने टेक ओवर किया तो डेबिट में आएगा. तो यहाँ पे जो आएगा टू रियलाइजेशन इस जो एसेट्स है जो टेक ओवर किया, जैसे बिल्डिंग एक्स ने टेक ओवर किया तो टू रियलाइजेशन करके एक्स में, यदि फर्नीचर वाई ने टेक ओवर किया तो टू रियलाइजेशन करके वाई में. जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट बाय रियलाइजेशन, जैसे क्रेडिटर्स का पेमेंट एक्स कर रहा है तो एक्स में, जैसे एक्स की वाइफ का लोन एक्स पे कर रहा है तो बाय रियलाइजेशन करके एक्स में. और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले आइटम जो थे जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे, जैसे जनरल रिजर्व है तो बाय जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सब कुछ वैसे ही करेंगे. गुडविल को एक नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे ये बिल्डिंग है वैसे ये गुडविल है. इसके बाद इसका हमने बैलेंस कर लिया. जो बैलेंस बचा यदि डेबिट में बचा तो बैंक, यानी उनको पे कर दिया,
ट्रेड में बचा तो बाई बैंक यानी उनसे ले लिया, तो बैलेंसिंग फिगर टू बैंक या बाई बैंक। ये तो हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट इतने में ही समझते हैं, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट जो बैंक का पहले बैलेंस था टू बैलेंस बीडी, जो भी एसेट्स बैंक के थ्रू रियलाइज्ड हुई टू रियलाइजेशन, जो भी लायबिलिटीज बैंक के थ्रू पेमेंट हुआ बाय रियलाइजेशन, पार्टनर्स ने को यदि पेमेंट करना पड़ा बैलेंस उनका डेबिट साइड आया तो बाय, जैसे एक्स का आ रहा है तो बाय एक्स, यदि पार्टनर्स का बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है तो टू वाई। फिर इसका हम बैलेंस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर इसमें नहीं आएगा, ये टोटल बराबर आएगा। तो ये हो गया बैंक अकाउंट। इससे दो क्वेश्चन आपका आता है ज्यादातर, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, इसमें यही ट्रीटमेंट ज्यादा होगा, जैसे क्रेडिटर्स में डिस्काउंट दे दिया, बिल्स पेबल में डिस्काउंट दे दिया, या बिल्डिंग को ज्यादा में सेल कर दिया, डेटर्स को कम में सेल कर दिया, या फिर जैसे कोई एक्सपेंसेस है, कोई कमीशन है, ये सारी ट्रीटमेंट, या कोई पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है, ये सारी ट्रीटमेंट के हिसाब से जैसे जनरल मिलती, इससे एक रियलाइजेशन अकाउंट ही आता है बनाने को, बट मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट में बता दिया। और एक इससे जनरल एंट्री भी आती है, जैसे बिल्डिंग रियलाइज्ड, तो बिल्डिंग रियलाइज्ड तो यहाँ पे क्या एंट्री बन रही है, वही क्रेडिटर्स आर पेड आउट, तो वैसे। तो इस चैप्टर से आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है, ये बुक हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे।